चेहरे पर खरोंचों के निशान, जिस लहूलुहान, अनेक कनपटियां, फटी आवाज, कब, कैसे, किस सिलसिले से गुजरकर पहुंचा हूं यहां, ब्यौरा देने की हालत में नहीं। काफी होगा इतना बता देना कि आहिस्ता आहिस्ता मगर बाकायदगी से चलता रहा। दबाव, प्रतिरोध, यंत्रणा का क्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी उस विस्फोटक क्षण में जब मैंने बदहवास कर दिया था उन्हें, उनके ही माइक्रोफोन पर अपना दो टूक निर्णय सुनाकर। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी शोभा यात्रा में मस्खरे की भूमिका अदा करने से इनकार है, जिनके दांतों की दरारों में ताजा इंसानी गोश्त गन्ने के रेशम की तरह फंसा है।